भारतीय जनता पार्टी नर्मदा जिला बक्षी पंच मोर्चा द्वारा आज राजपीपळा में गुजरात प्रदेश बक्षी पंच मोर्चा अध्यक्ष मयंकभाई नायक ने अध्यक्ष स्थाने सामाजिक अग्रणियों साथेनी बैठक योजाई गई, जेने दीप प्रागट्य करी मयंकभाई नायक नांदोद धारासभ्य डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख गुजरात प्रदेश बक्षी पंच मोर्चाना महामंत्री डॉक्टर सनमभाई पटेल जिला महामंत्री नील राव तथा मोर्चाना अग्रणियों द्वारा करवामां आव्युं हतुं। अग्रणियोंने आवकारता महामंत्री नील रावे सरकारश्री द्वारा उजवाई रहेला मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम में मोटी संख्या में भाग लेवा आह्वान कर्युं हतुं। धारासभ्य डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख समग्र अग्रणियों ने साथ राखी सरकार की विविध योजनाओं घर घर सुधी पहुंचाड़वा दरेक ने अपील करी हती। गुजरात प्रदेश बक्षी पंच मोर्चा अध्यक्ष मयंकभाई नायके आ कार्यक्रम नो उद्देश्य समझावता जणाव्यु कि सरकारशी की विविध योजनाओं घर घर सुधी पहुंचाड़ी खूब जरूरी है, लोको सुधी योजनाओं लाभ नहीं पहुंची सकते। घर सुधी मोदी सरकार की तमाम योजनाओं पहुंचाड़वाना प्रयास भागरूपे आ सामाजिक अग्रणियों साथ बैठक राखवामां आवी छे अने दरेक समाजना लोको सुधी आपणे सरकारनी योजनाओं पहोंचाड़वानी छे। आ प्रसंगे बक्षी पंच समाजना विविध क्षेत्रे कामगीरी करनार तथा समाजना अग्रणियोनुं महानुभावना हस्ते सन्मान करवामां आव्युं हतुं। आजना कार्यक्रमनो मुख्य उद्देश गुजरातना भारतीय जनता पार्टीना यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सी आर पाटिल साहेबना नेतृत्वमां आवनारा दिवसोमां भारतीय जनता पार्टीनुं संगठन मजबूत बने अने बक्षीपंच समाजना लोको सरकारनी अनेकविध योजनाओ छे समाज थकी पण कार्यकर्ताओ अने समाज थकी लोको सुधी आदरणीय नरेन्द्र भाई अने भूपेन्द्र भाई नी योजनाओ पहोंचे ए माटे भारतीय जनता पार्टी बक्षीपंच मोर्चा द्वारा कार्यक्रम हाथ पर लेवामां आव्यो छे अने समाजना अग्रणीओ साथे आ प्रकारनी विषय मूकी अने आवनारा दिवसोमां समाजना बधा ज भाई बहेनों जे लाभार्थीओ छे अने योग्य लाभ मळवा लायक होय एने लाभ मळे अने सरकारनी जे गरीबलक्षी योजनाओ छे प्रजा सुधी पहोंचे एमां बधानो साथ सौनो साथ सौनो विकास थाय नियम साथे आजे नर्मदा जिल्लामां अमारा लोकप्रिय धारासभ्य दर्शनाबेन अमारा नीलभाई अमारा प्रदेश अमारा जिल्लाना अध्यक्ष डॉक्टर पटेलजी धवलभाई अने बधा साथीदारो अने योग तमाम कार्यकर्ताओ साथे आ कार्यक्रम आजे अहींया करवामां आव्यो। आजे भारतीय जनता पार्टी बक्षीपंच मोर्चाना अध्यक्ष आदरणीय श्री मयंकभाई नायक जी नर्मदा जिल्लाना राजपीपळा खाते उपस्थित रह्या हता, जेमां समाजना विविध अग्रणीओ साथे एमने मुलाकात करी अने समाजमां जे बक्षीपंच मोर्चामां विविध क्षेत्रे जे लोको कामगीरी करी रह्या छे एवा अग्रणीओने एमनी कामगीरीने प्रोत्साहन आपीने एमनुं सन्मान करवामां आव्युं, एमनी साथे सूचनो करवामां आव्या अने एमनी साथे संवाद करवामां आव्यो, जेथी करीने दरेक समाजना लोकोनी भारतीय जनता पार्टी प्रत्येनी जे विश्वास छे ए केळवाय अने भारतीय जनता पार्टी प्रत्येनो जे भरोसो छे ए अकबंध रहे ए माटे आ समस्त लोको साथे एक गोष्ठीनुं एक आयोजन करवामां आव्युं। આજરોજ આણંદ જિલ્લામાં રાસનોલ ગામે સતત 15 વર્ષથી સેવા આપતી સંસ્થા એટલે સંતરામ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ચાલતા સંતરામ સીવણ ક્લાસીસ હવે આપણા ગામમાં વહેલા તે પહેલાના ધોરણે શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે। અનુભવી ટ્રેનર દ્વારા તાલીમ આપવામાં આવશે, તાલીમના સૌથી વધુ કલાકો અને 100% પ્રેક્ટિકલ તથા થિયરી અને સંસ્થાનું સર્ટિફિકેટ પણ એનાયત કરવામાં આવશે। ફેશન ડિઝાઇન અલગ કોર્સ લેડીઝ અને જેન્ટ્સના અલગ અલગ બેચ પણ ઉપલબ્ધ છે। કોર્સ મર્યાદિત 3 માસ માટે છે। બેબી ફ્રોક, સાદા બ્લાઉઝ, દાંતવાળા બ્લાઉઝ, કટોરીવાળા બ્લાઉઝ, લેગી અને ડ્રેસ, અમારી સંસ્થામાં ભણતરની કોઈ મર્યાદા નથી। અભણ હશે તો પણ ચાલશે, વિકલાંગ શ્રવણબંધ વિધવાઓને મફત તાલીમ આપવામાં આવે છે। તો રાહ કોની જુઓ છો? વહેલી તકે એડમિશન લઈને રોજગારી મેળવી શકાય છે। સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી ગણપતસિંહ પરમાર તથા મંત્રી શ્રી સનાભાઈ પરમાર, ખજાનચી મીનાબેન પરમાર થકી સંસ્થાને ટકાવી રાખનાર સમયને માન આપી આજે 7000 ભાઈ બહેનોને રોજગારી આપી તેમજ સંસ્થા મારફતે સિલાઈ મશીનની પણ વ્યવસ્થા કરી સિલાઈ મશીન પણ આપવામાં આવ્યા છે। તો જલ્દીથી તમારું એડમિશન લો।